तो हाँ दोस्तों, आई हैव अपग्रेडेड टू द न्यू कैनन ईओएस R6। और अगर आप मुझे कहीं टाइम से फॉलो करते हैं, आपको पता रहेगा कि 7 महीने पहले ही मैंने कैनन ईओएस R लिया था। तो क्यों एग्जैक्टली मैंने कैमरा को रिप्लेस किया, व्हाट डू आई लाइक अबाउट दिस कैमरा, अभी मैं कैनन ईओएस R6 पे शूट कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी क्वालिटी से समझ रहा रहेगा। और आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मुझे ये कैमरा के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, व्हाई डिड आई एग्जैक्टली रिप्लेस माई ईओएस R। मैं ज्यादा करके एक पर्सनल रिव्यू देने वाला हूँ। मैं 3 दिन से इस कैमरा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो भी चीजें मुझे अच्छी लगी है, बुरी लगी है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं बात करना शुरू करूँ इन चीजों के बारे में, मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस अपने घर के अंदर ही शूट किया है, जो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ये सीक्वेंस मैंने पूरा 4K में शूट किया है, सो द क्वालिटी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड। तो अगर आप अपने यूट्यूब सेटिंग में जाके अपनी वीडियो क्वालिटी जितनी हाई हो सके उतनी कर दीजिए, ताकि आप ये वीडियो को पूरे पोटेंशियल से देख सके। विदाउट फर्दर टू डू, ये सिनेमैटिक सीक्वेंस रोल करते हैं। Wasn't that absolutely crazy guys? मुझे इस कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुछ 3 दिनों से इसके साथ खेल रहा हूँ, but so far I am loving it। अब मैं ये वीडियो को 2 parts में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट दिस कैमरा, यानी कि उसके प्रोज। बाद में हम बात करेंगे अबाउट द बैड थिंग्स इनसाइड द कैमरा, यानी कि कॉन्स। तो प्रोज है, इसको मैंने 4 main points में डिवाइड किया है। ये 4 ऐसे points है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वे सभी के लिए अलग हो सकती है, बट मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, and this actually led me into investing into this camera and saying bye bye to the EOS R. First thing is the video resolution. हाँ दोस्तों, ये कैमरा का मैक्स रेजोल्यूशन है 4K at 60 frames per second without a crop. Yes. जब मैं EOS R ले रहा था, मुझे पता था कि उसके 4K में 1.7 का क्रॉप फैक्टर है। मुझे लगा था ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। बट जब मैंने वो कैमरा से शूट किया और जब मैंने वो 4K क्रॉप देखा, आई न्यू कि ये कम्प्लीटली यूजलेस है, क्योंकि मैं वो क्रॉप के साथ शूट ही नहीं कर पाता था। ट्रस्ट मी, मैंने ये पूरे 7 महीनों में एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो मैंने 4K में शूट किया हो। विद द EOS R मैंने सिर्फ 1080p में शूट किया है, एंड द मेजर रीजन वॉज क्योंकि द क्रॉप वॉज टू मच। इस कैमरा में मैं 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड विदाउट अ क्रॉप कर सकता हूँ। थोड़ा सा क्रॉप है, बट इट्स निग्लिजिबल, एंड दैट्स वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, क्योंकि फाइनली मुझे वो क्वालिटी मिल सकती है, मैं वो हाई रेजोल्यूशन में शूट कर सकता हूँ। दैट जस्ट रियली रियली मेक्स मी हैप्पी। ऑलरेडी ये पता ही रहेगा कि इस कैमरा में थोड़े से ओवर हीटिंग इशूज़ है, बट इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी के लिए द ओनली थिंग आई वांट टॉक अबाउट इज द गुड थिंग्स, एंड दैट इज 4K नो क्रॉप। एट द सेम टाइम आई कैन डू 1080p 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। नाउ 120 फ्रेम्स पर सेकेंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था, क्योंकि मैं बी रोल, एडवर्टाइजमेंट, इस टाइप के वीडियो शूट करता हूँ, और इन वीडियोज़ में 120 फ्रेम्स में शूट करना और वो बटरी स्मूथ स्लो मोशन मिलना इज रियली रियली गुड। बट EOS R में आई कुड ओनली डू दिस एट अ रेजोल्यूशन ऑफ 720p, यानी कि माई वीडियोज़ वर्न दैट शार्प। और मैंने EOS R से काफ़ी बी रोल्स और एक आध दो एडवर्टाइजमेंट्स भी शूट किए इस लास्ट 7 months में, और जब भी मैं 720p में शूट करता था, द इमेज यूज टू बी एक्सट्रीमली सॉफ्ट। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था वो फुटेज में, क्योंकि इट वॉज दैट सॉफ्ट एंड दैट ग्रेनी। बट एट द सेम टाइम इस कैमरा से मैं कर सकता हूँ 1080p 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। ऑब्वियसली इमेज तो भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट इट इज़ वे बेटर देन द EOS R, काफ़ी यूजफुल है। ओवरऑल मेरी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने में ये काफ़ी हद तक मुझे मदद करेगा। अब वी आर डन टॉकिंग अबाउट द वीडियो रेजोल्यूशन, अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की और, जो इस कैमरा को सुपर बनाता है, और वो है
10-bit log internal recording. अब ESR में हम शूट कर सकते थे 8-bit internally और 10-bit externally, but इस कैमरा में हम शूट कर सकते हैं 10-bit internally, which is absolutely crazy. अगर आपको 8-bit और 10-bit में फ़र्क नहीं पता है, बेसिकली 10-bit हायर कोडेक है जिसमें आपकी डायनामिक रेंज ज़्यादा बेहतर बन जाएगी. ओवरऑल आपकी वीडियो की जो क्वालिटी रहेगी वो काफ़ी हद तक और बेटर रहेगी. और मैंने इसके पहले कभी भी 10-bit पे शूट नहीं किया था. आई हैड शॉट ऑन दी 8-bit ऑन द ESR, बट जैसे ही मैंने 10-bit में शूट किया और मैंने कलर ग्रेड किया, आई कुड सी द डिफरेंस इंस्टेंटली. मैं देख सकता था मैं कितना ज़्यादा इन कलर्स के साथ खेल सकता हूँ और ये फुटेज कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है देन दी ESR. तो सेकंड वाला काफ़ी आसान है 10-bit. आई एब्सोल्युटली लव इट एंड इट्स अ ग्रेट फीचर टू हैव इनसाइड द कैमरा. कमिंग डाउन टू द थर्ड थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव 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 अबाउट दिस कैमरा एंड दैट इज़ द बिल्ड क्वालिटी. मुझे पता है ESR भी काफ़ी हद तक इट वॉज़ अ वेरी वेल बिल्ट कैमरा, पर चीज़ ये है कि जब से मिररलेस कैमराज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनकी साइज़ छोटी 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 होती जा रही है. एंड विद ESR मुझे यही लगा. नाउ एज अ पर्सन मेरे हाथ काफ़ी बड़े हैं और ESR मुझे पकड़ने के लिए थोड़ी सा प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो कैमरा कुछ ज़्यादा ही छोटा है. जब मैंने R6 लिया मुझे लगा कि मुझे सेम इशू आएगा, बट ये कैमरा काफ़ी हद तक ज़्यादा थिक है देन दी ESR. जब मैंने एक्चुअली ये कैमरा पकड़ा, आई स्टार्टेड रिमेंबरिंग दोज ओल्ड डेज जब मैं कैनन 5D Mark IV पे शूट करता था. एंड आई फील कि थोड़ा सा हैवीनेस होना, थोड़ा सा बल्कीनेस होना एक्चुअली हेल्प्स यू गेटिंग बेटर शॉट्स, क्योंकि वो एडेड वेट एक्ट्स लाइक अ स्टेबलाइजर. सो मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक द वेट फील्स इन माई हैंड्स क्योंकि आई हैव रियली बिग हैंड्स. एंड ओवरऑल आई लव द बिल्ड क्वालिटी एंड आई लव द वे इसका जो ग्रिप जिस तरह से मेरे हाथ में बैठता है. कमिंग डाउन टू द फोर्थ थिंग जो मेरे लिए एक गेम चेंजर थी, एंड दैट इज़ IBIS और द इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर. इस कैमरा में एक 5-axis इमेज स्टेबलाइजर है एंड इट वर्क्स फैंटास्टिक. बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं एक शूट के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये याद रखना पड़ता था कि कोई ट्राईपॉड मेरे पास हो या एक गिम्बल हो या एक मोनोपॉड हो, बट विद दिस कैमरा द शेक्स आर एब्सोल्युटली नॉट देयर. यहाँ वहाँ आपको थोड़ा सा एक वॉपिंग दिखेगा अगर आप अल्ट्रा वाइड शूट कर रहे हैं, बट अगर आप एक हायर फोकल लेंथ पे है समथिंग लाइक यू नो 70mm और 80mm, आप देखेंगे कि वो शेक्स बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं एंड द रिजल्ट्स आर क्रेजी क्रेजी गुड. आई हैव इन लव विथ IBIS एंड इट इज़ डेफिनेटली गोना इम्प्रूव कि मैं किस तरह से शूट करता हूँ. एंड आई हैव टू ओवरऑल वरी लेस अबाउट कैरिंग अ ट्राईपॉड और अ गिम्बल एवरी टाइम आई गो आउटसाइड शूटिंग. सो इट्स अ ग्रेट फीचर टू हैव एंड आई विल डेफिनेटली बी यूजिंग इट इन द फ्यूचर. अब हम लोगों ने बात कर ली है अबाउट ऑल द गुड थिंग्स इनसाइड दिस कैमरा एंड इट इज़ टाइम वी टॉक अबाउट कि ये कैमरा में बुरी चीज़ें क्या है, बिकॉज नो मशीन इज ऑब्वियसली परफेक्ट. कमिंग नाउ टू द फर्स्ट थिंग एंड ऑब्वियसली आई थिंक आपको ये ऑलरेडी पता रहेगा और वो है ओवरहीटिंग. नाउ द न्यू R5 एंड द R6 इन कैमराज में काफ़ी ओवरहीटिंग का इशू है. पर्सनली मुझे अभी तक ओवरहीटिंग फेस नहीं हुआ है. दिस कुड ऑल्सो बी बिकॉज मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में अभी क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, इट इज़ नॉट वेरी हॉट. और मे बी क्योंकि मैंने इतना एक एक्सटेंसिव शूट अभी तक किया नहीं है, बट येस मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे 4K 24 और 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में मोर देन 20-25 मिनट्स शूट करने पर यह कैमरा ओवर हीट होने लगता है. पर्सनली मुझे अभी तक ये फेस नहीं हुआ है, बट मे बी दिस इज़ समथिंग यू शुड बी कंसिडरिंग, क्योंकि यू लिव समवेयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, दिस माइट नॉट बी द चॉइस फॉर यू, क्योंकि आपको वो ओवर हीटिंग काफ़ी हद तक इशू देने लगेगा. इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग दैट यू कैन जस्ट इग्नोर. द सेकेंड इशू दैट आई एम हैविंग विद दिस कैमरा और वो है ऑटो फोकस. कैनन का ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है, बट फॉर सम रीज़न मुझे ये कैमरा में थोड़ा सा जो फोकस है वो थोड़ा जिटरी लगता है. कभी कभी इट डज़ नॉट रियलाइज वेयर टू फोकस और ये प्रॉब्लम मुझे ESR के साथ बिल्कुल भी नहीं था. ESR वॉज एक्सट्रीमली गुड एट फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट्स एंड लॉकिंग डाउन ऑन द सब्जेक्ट्स, बट मुझे ये R6 के साथ थोड़ा सा फोकसिंग में इशू आ रहा है. एंड दिस माइट बी जस्ट अ करंट थिंग, मे बी एक फर्मवेयर अपडेट के बाद ये फिक्स हो जाएगा. ऑल्सो द ओवर हीटिंग इशू, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो शायद कैनन शायद इनको एक फर्मवेयर अपडेट में कम्प्लीटली रिजॉल्व कर देगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट करंटली मुझे ऑटो फोकस के साथ थोड़ा सा इशू आ रहा है. कमिंग डाउन टू द थर्ड थिंग, और ये एग्जैक्टली एक डिसएडवांटेज नहीं है,
But because this camera shoots in 4K 60 frames per second, 10-bit log footage, जो video file होती है ये काफ़ी heavy रहती है और काफ़ी इसमें information रहता है. जब भी मैं अपने computer में import करता हूँ for editing, मुझे काफ़ी problem होती है कि मेरा computer lag करने लगता है. It cannot play back this footage क्योंकि ये footage इतना heavy है. Now currently मैं editing के लिए एक iMac use कर रहा हूँ, 2019 top end i5 है और इसमें 40GB RAM है जो मैंने अपग्रेड करवाया हुआ है. सो स्टिल मुझे इसमें इशू आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर कि अगर आप ऐसा कैमरा खरीद रहे हैं, इसके साथ आपको एक अच्छा लैपटॉप, एक कंप्यूटर भी लगेगा. इसके बिना आप इस फुटेज को एडिट नहीं कर सकते हैं. इट्स गोना बी वेरी वेरी हैवी फॉर योर कंप्यूटर. गाइस, इसी के साथ आज का मेरा ये छोटा सा रिव्यू खत्म होता है. मैं काफ़ी डिटेल में नहीं गया, ऊपर ऊपर से थोड़े पॉइंट्स कवर किए हैं, बट ओवरऑल मुझे अब तक ये कैमरा एब्सोल्युटली अच्छा लगा है. सिर्फ एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ओवरहीटिंग का है, जो होपफुली कैनन रिजॉल्व कर देगा, मेकिंग दिस कैमरा परफेक्ट. बट इसी के साथ अगर आपको ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैमरा. तो ये चैनल पे मैंने कभी ये रिव्यू टाइप वीडियोस नहीं किए हैं. सो इनकेस आपको इस टाइप के वीडियोस भी अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना ताकि मैं फ्यूचर में और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ. बट इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.